दो महीने की लंबी शांति के बाद आखिरकार उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर किम जोंग उन ने मिसाइल दागी है। इस बार सनकी ने अपनी जिस शक्तिशाली मिसाइल को छोड़ा है वो सीधे जाकर जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ईस में जाकर गिरी है। अधिकारियों की माने तो 1:17 पर उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागी गई है, जो करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जापान के समुद्र में जाकर गिरी है। उत्तर कोरिया की इस हिमाकत को देख अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। आलम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सनकी को धमकी दी है कि अब वो उसे देख लेंगे। वहीं जापान के पीएम शिंजो आबे ने इसे हिंसक कृत्य करार दिया है और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस की माने तो उत्तर कोरिया ऐसी मिसाइल विकसित करने में जुटा हुआ है जो दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। वैसे इससे पहले सनकी तानाशाह ने 15 सितंबर को आखिरी मिसाइल टेस्ट किया था। सनकी तानाशाह के इस उकसाने वाले कदम से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार कर सनकी तानाशाह ने इस बार सीधे जापान पर मिसाइल दागी है और ऐसे में अब सबकी निगाहें अमेरिका के ऊपर टिकी हुई है कि वो इसका जवाब कैसे देता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।